कोरोना से बचाव और लोगों की मदद करने में कोरबा के बिजली कारखाना बाल को बड़ा योगदान रहा है। आपदा के समय औद्योगिक घरानों की जिम्मेदारी क्या होती है, कैसे मदद की जाती है और सरकार के साथ किस तरह जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है, सब कुछ बालकों ने बखूबी दिखाया। अपने संस्थान के अधिकारी कर्मचारियों की देखभाल, परिवार का ख्याल और लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जा रही है, एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बड़े बिजली कारखानों में से एक बालको ने कोरोना वायरस लड़ने और उससे बचाव के मामले में काफी बेहतर काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक घरानों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी सराहना की थी। आइए आपको बताते हैं किस तरह बालको ने कोरोना से बचाव के लिए उठाए हैं बड़े कदम। सुरक्षा और बचाव की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी संभाल रहे हैं। परिस्थितियों की निगरानी के लिए केंद्रीय समिति गठित की गई है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मदद से बालको प्रबंधन ने 300 जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित किया है। इन परिवारों को एक महीने का राशन बालको की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। जनप्रतिनिधियों की देखरेख में 50 परिवारों को राशन वितरित की जा चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग और संयंत्र में कर्मचारियों के सामूहिक प्रवेश को रोकने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। बायोमेट्रिक बंद है। संयंत्र परिवार में आने वाले कर्मचारियों की थर्मल जांच की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन पैनल बनाए गए हैं। संयंत्र के प्रवेश और निर्गम द्वारों पर 1 मीटर की मार्किंग बनाई गई है। संयंत्र परिसर के अंदर अलग अलग कैंटीन में भी यही व्यवस्था बनाई गई है। विजिटर रूम, विजिटर पोर्टल ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि संयंत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर सके। सभी कर्मचारियों को वापस आने पर मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजारा जा रहा है। बालको टाउनशिप में क्लब, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, वर्कमैन क्लब और कर्मचारी संघों के कार्यालय बंद है। बालकों के 50 दलों ने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन अभियान पूर्ण किया है। टाउनशिप के सिविक सेंटर और डेली मार्केट में 1-1 मीटर की मार्किंग बनाई गई है। बालको अस्पताल में 4 बिस्तरों वाला क्वारंटाइन सेंटर विकसित किया गया है। इस तरह से बालको की ओर से अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ पूरे टाउनशिप को कोरोना से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र के लोगों को जागरूक और जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का भी काम किया गया है। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी बालको कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। यही वजह है कि सरकार भी बालको के नए कार्यों की खुलकर प्रशंसा कर रही है। वैभव शिव पांडे के साथ स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।